हाय गाइस, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज 5। मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कॉल और हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं आपके सामने, जहां हम बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप कहां तक पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे स्टेज 5 की। इस स्टेज को अगर मैं डिकोड करूं आपके सामने तो मैं कहूंगी ये जो स्टेज है वो डिल्यूजन का है, जहां पे सारे पर्दे खुल जाते हैं आपके सामने और आपको ये लगता है कि अब रियलिटी ऑफ लाइफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सारे रिश्ते नाते झूठ वूट सब यहीं का यहीं रह जाना है। असलियत में आप एक वाइब्रेशन हैं, आप एक एनर्जी हैं और आपको उसको रेज करना है ताकि आप कुदरत की एनर्जीज को और कुदरत की वाइब्रेशन से अपने आप को मैच कर सकें। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वाकई में बहुत अच्छा काम करा है आपने। और इस स्टेज में डेफिनेटली आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि कौन आपके आसपास है जो यू नो वाइब्रेशंस आपकी मैच नहीं कर रही हैं, जिनकी वाइब्स आपके साथ मैच नहीं कर रही है, जिनकी सोच आपके साथ मैच नहीं कर रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा पुल डाउन फील करते हो अपने आप को, आपको थका हुआ महसूस होते हैं, अपने आप को आप थका हुआ महसूस फील करते हो और आपका मन नहीं लगता है लोअर फ्रीक्वेंसी लोगों के साथ, उठना बैठने का मन नहीं करता है, वही लोग जिनके साथ अभी तक ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी अचानक से उनसे डिसकनेक्शन हो जाता है। आप बिल्कुल अपने आप को एक लॉस्ट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हो, मगर ये लॉस्ट वर्ल्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है, जहां आप समझ चुके हो कि अभी तक जो कुछ भी करा है मैंने काम, वो मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए करा है। तो स्टेज 5 क्या रही, जहां पर आप डिल्यूजन से बाहर आ रहे हो। ठीक है, अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल अकेला नहीं समझना है, बट कोशिश करो कि ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जिनकी वाइब्रेशंस या तो आप जितनी है या आपसे हाई है, और अपने आप को अपने आसपास के एनर्जीज को क्लीन करते रहो, सेज स्मजिंग करते रहो, पालो सेंटो यूज़ करो, सॉल्ट बाथ लेना शुरू करो, घर में अच्छे वाइब्रेशन म्यूजिक ऑन करके रखो, तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे आपने डेफिनेटली काम करना है। कुछ और भी टिप्स हैं, अगर आप मुझे अगर आप मुझे कॉमेंट करेंगे या ईमेल करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं बात करूँगी स्टेज 6 की आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।